सबसे पहले हमने पोप्लिटियल फोसा के अंदर डिटरमाइन करना है इसकी मीडियल साइड कौन सी है और लेटर साइड कौन सी है। जो प्रोमिनेंट साइड है ना वो चाहे पोप्लिटियल फोसा हो चाहे क्यूबिटल फोसा हो, दोनों के अंदर जो मीडियल साइड होती है वो प्रोमिनेंट होती है। अच्छा, अब हम इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं। जो इसकी सुपीरियर बाउंड्रीज है ना या अपर बाउंड्रीज है उसके अंदर ये जो एक बारीक सा टेंडन आ रहा है ना ये है सेमी टेंडिनोसिस, ये इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है। और इसके नीचे जो है ना ये वाला बल्कि सा मसल यह है सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। और यहाँ पर ये जो लेटरल बाउंड्री है ये बना रहा है बाइसेप फीमोरिस मसल। ठीक है, ऊपर वाली बाउंड्रीज क्लियर होगी। अब हम नीचे चलते हैं, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोकनीमियस, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोकनीमियस और गैस्ट्रोकनीमियस के नीचे जो मसल होता है वो आपके पास होता है सोलियस मसल। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके कंटेंट क्या है। तो कंटेंट के अंदर ये एक नर्व आ रही है और नर्व आके डिवाइड हो रही है, ये शियाटिक नर्व है और शियाटिक नर्व ये हमने कहा था मीडियल साइड, तो यहाँ पे ये टिबियल नर्व में चली जाती है और कॉमन पेरोनियल नर्व में ये जाके डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पे ये पोपलीटियल आर्टरी और पोपलीटियल वेन है, यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रही है। ठीक है,